केंद्र सरकार देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग को खत्म करने की तैयारी में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है, यानी जल्द ही लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से मुक्ति मिल सकती है। सरकार का प्लान है कि टोल प्लाजा पर लगे हाईटेक कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेंगे, जिसके बाद वो गाड़ी जिसके नाम से भी रजिस्टर्ड होगी उसके बैंक खाते से टोल का पैसा वसूल लिया जाएगा। मतलब ये कि टोल प्लाजा को पार करते वक्त रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे वहां लगने वाले जैम से भी निजात मिलने की संभावना है। असल में केंद्र सरकार ने 2019 में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके मुताबिक नई गाड़ियों पर हुई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जरूरी कर दिया गया था और इसी के तहत सरकार ने अब टोल प्लाजा पर कैमरे लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि जब ये योजना पूरी तरह अमल में आए तब लोगों को टोल प्लाजा पार करते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसे में जब ये गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंचेंगी तो उन्हें वहां रुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों को मुश्किल हो सकती है। लेकिन खबर है कि सरकार ने इससे निपटने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सरकार एक बिल लेकर आएगी जिसमें एक तारीख तय की जाएगी ताकि लोग उस तय वक्त में अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। असल में टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से लोगों को बचाने के लिए ही फास्टैग का नियम पिछले साल लागू किया गया था। सरकार को इससे बड़ा फायदा भी हुआ। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में कुल टोल कलेक्शन का 97% फास्टैग के जरिए ही होता है, लेकिन जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं है उनकी वजह से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो जा रही। वहीं कई गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनमें फास्टैग तो लगा होता है लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि कई बार टोल प्लाजा पर इंटरनेट सही ढंग से काम नहीं करता, जिससे लोग फास्टैग को रिचार्ज नहीं करा पाते। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने फास्टैग को खत्म करने का मन बना लिया है और इसकी जगह बैंक खाते से लिंक की गई नंबर प्लेट का नियम लागू करने की तैयारी है, ताकि जब कोई भी टोल प्लाजा से गुजरे तो उसे थोड़ी देर के लिए भी वहां रुकना न पड़े।